आपने ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में बहुत बार सुना होगा वेदर इफ यू आर रीडिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां पर भी जीडीपी तो बारे में आपको जानना जरूरी है बिकॉज टाइम एंड टाइम अगेन आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक छोटा सा टर्म है एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको अगर आप जान लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा नौ अगर हम इकॉनमी की बात करें तो एक नॉर्मल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होता है जिसमें अ मोनट्री एक्सचेंज फॉर अ गुड

अगर किसी को आप दे रहे हैं उसके बदले में आप कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे हैं वेदर गुड्स और सर्विसेज। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा पेमेंट कौन कर सकता है जनरली एक ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वही कर सकता है तो इस केस में मैक्सिमम ट्रांसफर पेमेंट जो है दैट इज डन गवर्नमेंट गवर्नमेंट नाउ आपको पता है इन डिफरेंट फॉर्म चाहे वो किसी तरह का सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो आपको पता है अलाउंसेस देती है पेंशन देती है सब्सिडीज देती है जिसके एवज में गवर्नमेंट आपसे कुछ भी नहीं मांगती है तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसफर पेमेंट अगर हम लोग इसको देखें हमने देखा इन कंट्रास्ट विद सिंपल पेमेंट विच जो हम लोग इकोनॉमिक्स में रेफर करते हैं ट्रांसफर ऑफ मनी इन एक्सचेंज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस तो अगर आपको बेसिक पता होना चाहिए ट्रांसफर पेमेंट का कि जिसके बदले में आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है अब देखिए इसमें जो टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स के जो जनरल टाइप्स होते हैं जो कि ग्लोबली जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं अंडर ट्रांसफर पेमेंट्स तो फर्स्ट है सब्सिडी नौ किसी भी तरह की सब्सिडी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वेदर इट इज एग्रीकल्चर सब्सिडी अगर आप देखेंगे तो इट इज इनकम सब्सिडी अंडर आपको पता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर जो है आपको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो

सकते हैं तो उसके सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इसके अलावा जो आप डिफरेंट इंश्योरेंस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसको आप सबको जो है वो ट्रांसफर पेमेंट के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं ये किसी भी फील्ड में हो सकता है इंक्लूजन चाइल्ड प्रोटेक्शन चलिए अब हम लोग बढ़ते देखिए

में इसको जो भी जो ये मनी है इसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो हाउ इट इज सीन इन जीडीपी समटाइम्स जीडीपी में देख सकते हैं अगर आपको इसको समझना है तो इस तरह से समझिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इसको हम लोग दिखा सकते हैं जब हम लोग बजट की बात करते हैं जनरली जब हम लोग बजट की बात करते हैं है, तो वहां पर आप देखेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो आप देखते हैं कि सब्सिडीज है ये सब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए तो दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स तो जब हम लोग गवर्नमेंट के खर्च के बारे में बात करेंगे ना

जो है वो गल्फ में जाते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो यूरोप यूके हर जगह फैले हुए हैं और सब जगह वो फॉरन करेंसीज में कमाते हैं एंड अपने फैमिली को वापस में वो फॉरन करेंसी में ही भेजते हैं तो इस तरह से हमारा क्या होता है हमारे यहाँ रेमिटेंसेज आता है जिसके, जिसके वजह से हमारा जो, जो आप बोल सकते हैं जो नेट इनवेजिबल्स है हमारा वो पॉजिटिव रहता है हालांकि हमारा जो नेट विजिबल्स की बात करें तो यहाँ पर हमें नेगेटिव रहता है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं है गुड्स हम लोग इतना एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाते लेकिन हम लोग सर्विसेज और रेमिटेंसेज में काफ़ी आगे हैं इसके वजह से हमारा कैड जो है वो मैनेज हो जाता है तो यहाँ पर हमने सीखा आपको ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में ना दिस अ क्वेश्चन केम इन सी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपसे बन जाना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स द फर्स्ट इज अन्प्लॉयमेंट अलाउंस सेकंड इज पेमेंट ऑफ सैलरी थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स एंड फोर्थ इज ओल्ड एज पेंशन ठीक है तो आपको बताना है कि इसमें से किसको किसको आप ट्रांसफर पेमेंट की जैसे कैटेगराइज कर सकते Now, only, one, only, one, only, हैं नाउ गिवन ऑप्शन एंड थ्री ओनली वन टू एंड थ्री ओनली वन थ्री एंड फोर ओनली एंड फोर्थ इज अपन ऑफ द अब जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपसे बिल्कुल बनना चाहिए अभी हमने आपको जस्ट बताया कि वॉट इज ट्रांसफर पेमेंट तो उसका सही आंसर है वन थ्री एंड फोर तो पेमेंट ऑफ सैलरी कैसे ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा बिकॉज उसके बदले में जो भी employer, जो भी भी आपने employee को हायर किया है उस, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हैं वन आप बोल सकते हैं ना वन डायरेक्शनल पेमेंट नहीं कर रहे है. मतलब उसके बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं तो उसको आप ट्रांसफर पेमेंट में कैटेगराइज नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है दैट इज एंड और यहाँ पर देखिए क्या क्या है आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस डेफिनेटली दिस इज अ ट्रांसफर पेमेंट सोशल सिक्योरिटी पेमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट और ओल्ड एज पेंशन तो हमने अभी